जो भी चीजें ऐसी सीजने वाली होती है ना जिसमें टाइम लगता है, जैसे अगर मान लीजिए राजमा बना रहे हैं तो राजमा कुकर में चढ़ा देती है कुक, उसके बाद वो चली जाती है, मुझे कहती है कि 8 सीटी में या 10 सीटी में दीदी आप बंद कर देना, या जैसे ये भी आलू गोभी है तो आलू को सीजने में थोड़ा टाइम लगता है ना, सब कुछ करके रेडी कर देती है, मुझे बस बोलती है कि 5 मिनट के बाद में आप इसको बंद कर देना, बाकी सब कुछ रेडी करके जाती है, क्योंकि उसको इतने घर में काम करना पड़ता है, तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि फुल खाना हर घर में बन जाए उसके बाद नेक्स्ट घर में मूव ऑन करे, तो कुकर में रहा या ऐसा कढ़ाई में रहा तो उसको मैं देख के बंद कर देती हूँ, बाकी काम डन है। तो सारे केले ना एक साथ ही पक गए हैं, कभी नहीं पकेंगे तो नहीं पकेंगे, और पकेंगे तो एक साथ में पक जाएंगे, तो एक तो मैं अभी खा लेती हूँ, एक अंगद को जबरदस्ती दे देती हूँ कि खा लो, और जिस चीज का पकने का वेट है वो नहीं पक रहा है, यानी कि आम, आम पकने में अभी भी 3 से 4 दिन लगेंगे, कल हमने एक आम कट तो किया था, वो लग रहा था कि थोड़ा पक गया होगा, ठीक ठाक ही था, मतलब खट्टा था थोड़ा, वैसा मीठा नहीं था एकदम जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन हाँ पक रहा है धीरे धीरे, तो अभी लग रहा है 3-4 दिनों में तो ऐसा हो जाएगा कि कुछ नहीं तो एटलीस्ट आप आम रस बना सकते हो शुगर डाल करके, पर वो जो प्रॉपर पकना है ना उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वैसे भी हम लोग कच्चा उठा के लाए थे ना तो पकाने के लिए लेके आए थे, पर मन करता है ना, स्मेल आती है, जब भी अंगद के ऑफिस रूम जाइए ना जो खुशबू आती है आम की उसके बाद हम लोग चेक करते हैं पक्का एक भी पका, पर नहीं अभी टाइम लगेगा। दो लग रहा है कि थोड़ा सा हो गया है, तो अंगद ने बोला चलो ये ट्राई करते हैं, तो अभी तो नहीं खाएंगे, ये रात को खा सकते हैं, यहाँ से देखेंगे ना तो एकदम लग रहा है कि पक गया है, पर इधर से ग्रीन है, पर अंदर का कलर जो है ना ठीक ठाक ही लग रहा है, तो इसको 3-4 घंटे तो मिनिमम पानी में रखेंगे, घर का पकाया हुआ है पर फिर भी, तो फ्रिज में रख दूंगी तो ठंडा ठंडा हो जाएगा रात के लिए। बैंगलोर में ना वो वाला सर्कस लगा है, रैम्बो सर्कस, तो सर्कस में अब तो एनिमल्स तो बैंड हो गए, तो एनिमल्स नहीं मतलब स्टंट वगैरह करेंगे लोग, तो मैंने देखा था बोर्ड उस दिन में आ रही थी कोरमंगला से, तो मैंने कहा चलो ठीक है एक दिन होगा ना तो जाएंगे, कितने साल हो गए सर्कस नहीं गए तो एक अच्छा रहेगा देखने में, और इस बार का सर्कस में क्या था ना ऑडिटोरियम में कर रहे हैं वो लोग, ऐसा नहीं है ओपन में है, तो अच्छा खासा एसी रहेगा सब रहेगा, तो आज मैंने देखने लगी बुक माई शो में टिकट उसका, तो मुझे लगा कितना होगा 500-600 रुपया पर सीट, अरे बाबा जो प्राइस हो गया है 500 रुपये में आपको दे रहे हैं बैठने के लिए, पीछे एकदम बैल्कनी जहां से कुछ दिखने वाला नहीं है, और आगे अगर आपको बैठना है तो 5,000 रुपीज, फिर उससे पीछे है तो 2,500 रुपये, मतलब इतना महंगा टिकट लेके कौन देखने जाएगा, अंगद तो नहीं मानने वाला, तो मेरा तो पूरा मूड ही ऑफ हो गया, वरना मैं सोच रही थी कि संडे को ना सर्कस जाते क्या मजा आएगा, बहुत साल बचपन में जाया करते तब तो बड़ा सस्ता टिकट हुआ करता था, और टिकट तो क्या हम लोग तो स्कूल से हम लोगों को ट्रिप में लेके जाते थे, पर बड़ा महंगा हो गया। एक और चीज मिस हो गया है इस टिकट की वजह से ही, तो अगेन बुक माई शो में मैंने देखा कि प्ले मुझे अच्छा लगता है देखने में ड्रामा प्ले वगैरह, मैंने अभी तक 2 देखा है जाकर के, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो मैंने देखा सबाना आजमी आई हुई है, तो मैंने कहा अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा है, 2-3 और भी एक्टर थे, चलो ये वाला प्ले देख के आते हैं, अरे उसका भी टिकट जब देखा तो अगेन अगर आपको थोड़ा सामने से ठीक ठाक जगह से देखना है तो 10,000 रुपये पर टिकट, थोड़ा पीछे जाओ तो 5,000 रुपये, और एकदम पीछे आपको बिठाएंगे तो शायद 1,000 रुपये का टिकट था, तो उतना दूर से देखने का तो लगेगा कि चलो टीवी पे ध्यान देख ले, थोड़ा सामने से आप देखो तो अच्छा लगता है, तो वो भी मेरा आइडिया फ्लॉप हो गया। डिलीवर हुआ है मिंत्रा से, तो मैंने सोचा चलिए पहन के आपको भी दिखाती हूँ, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ये जो वॉल्टर नेक है ना ये मुझे वैसे भी पसंद आता है और अंगद को मुझ पे बहुत अच्छा लगता है, और ये मैंने ऑफकोर्स
प्रेगनेंसी ड्रेस के हिसाब से लिया है ताकि आगे जाके भी फिट आ सके। एक तो कलर इसका बहुत अच्छा है तो पिक्चर्स वगैरह में बहुत अच्छा लगेगा, स्टाइलिंग भी इसकी मुझे अच्छी लगी। मैंने तो सोच रखा है कि पूरी प्रेगनेंसी में कहीं भी जाने वाली हूँ ना, चाहे कोई कैफे जा रहे हैं हम या मूवी देखने जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, मैं अपने आप को स्टाइल जो है वो अच्छे से करूंगी। इससे क्या होता है ना, आप अपने आप पे ध्यान देते हो ना तो आपको बड़ा अच्छा फील होता है। अदरवाइज अगर आप एकदम अभी से ही पहनने लगे ऐसे कपड़े जो बस पहनने के लिए आपने पहन लिया तो फिर धीरे धीरे ना आप अपना ख्याल रखना छोड़ दोगे। तो मेरे ख्याल से हेल्दी माइंडसेट रखने के लिए, खुश रहने के लिए अपने आप पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो उस हिसाब से मैं अभी शॉप करती रहती हूँ। ये वाला जो ड्रेस है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, डिफरेंट लगा, गर्मी में भी बहुत ही अच्छा लगेगा ये पहनने के लिए। और मिल जाते हैं, आप ढूंढोगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएंगे। बस यही ध्यान रखती हूँ कि थोड़ा कंफर्टेबल हो, ऑफकोर्स जैसे ढीला ढीला सा हो, कंफर्टेबल हो, क्योंकि मुझे, मैं आज खरीद रही हूँ, मुझे नहीं पता आज से डेढ़ महीने के बाद या दो महीने के बाद मैं जब इसको पहनूंगी तो मुझे कैसा फील हो रहा होगा, मेरे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे होंगे। तो उस हिसाब से फ्यूचर सोच के मैं ऐसे लेती हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ उस टाइम भी मैं पहन सकती हूँ, ऐसा नहीं कि वन टाइम पहन के छोड़ दिया, बाद में भी मैं पहन सकती हूँ, उस टाइप के लेती हूँ। आज का जो लंच था ना वो वन ऑफ माय फेवरेट है, मेरी कुक वो अच्छा बनाती है, पीली मूंग की दाल और साथ में ये स्टर फ्राई वेजीज। पीली मूंग की दाल तो बहुत ही अच्छा बनाती है। एनीवेज खाना वाना खा लिया, चलिए बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग के चीजों के बारे में। तो याद है पिछले ब्लॉग में मैंने शेयर किया था कि मैं कुछ प्रेगनेंसी मिथ्स आपके साथ शेयर करूंगी, तो चलिए आज ही शेयर करती हूँ। तो देखिए मिथ्स मैं बोल रही हूँ, मिथ्स का मतलब होता है मिथ्या, लेकिन यहाँ पे मिथ्या से ज्यादा मैं वर्ड यूज करना चाहूंगी रिचुअल्स, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज में इसको फॉलो करते हैं। तो अगर आप इनमें से कोई भी रिचुअल को फॉलो करते हैं तो बुरा मत मानिएगा, ये बस मैं शेयर कर रही हूँ जो मैंने सुना है। अगर आपको इसमें से कोर बिलीव है आप फॉलो करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन एक चीज है कि जो भी ऐसे बिलीव सिस्टम होते हैं ना या जो भी ऐसे रिचुअल्स होते हैं, मेरे ख्याल से ये फैमिली टू फैमिली रन होता है, पर ये दूसरे पे थोपना नहीं चाहिए। जैसे कई बार होता है ना कि हम देख रहे होते हैं लोगों को कि वो फॉलो नहीं कर रहे तो हम बोलते हैं अरे आप ये नहीं कर रहे हो, प्रेगनेंसी में ये करना चाहिए। तो वो करना चाहिए वाली बात जो है ना वो किसी पे हमें थोपना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने या हमारी फैमिली ने कुछ सिखाया है तो हम आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉलो करेंगे, पर क्या पता उनकी फैमिली को ना सिखाया गया, उनकी फैमिली में कुछ और चीजें चलती होंगी, तो वो थोपिए मत, बस यही मैटर करता है। उससे क्या होता है सामने वाले को हम फील कराते हैं अरे तुमने ये गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, जरूरी नहीं है। और एक बात और है कि जितने भी बिलीफ सिस्टम है जो मैं भी बातें कर रही हूं ना, कुछ लोग इनको मानते हैं कुछ लोग इनको नहीं मानते हैं, पर जो नहीं मानते हैं उनकी भी प्रेगनेंसी हेल्दी ही जाती है, जो मानते हैं उनकी भी हेल्दी जाती है। कई बार हो सकता है जो मानते हैं उनके साथ कुछ प्रॉब्लम आता हो, और कई बार होता है जो ना मानता है वो उनके साथ कुछ प्रॉब्लम आता हो, पर इसका मतलब है प्रॉब्लम इन रिचुअल्स को फॉलो करने या नहीं करने से नहीं आता है, मेडिकल रीजंस की वजह से आता है। पर फिर भी तो किसी को भी ठेस ना पहुंचे, अच्छे स्पिरिट में लीजिएगा। एनीवे से चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहला मैं आपको बताती हूँ जो मुझे बहुत वियर्ड लगा था, और ये मुझे लाइव पता चला था, मतलब किसी और लेडी से पता चला था फेस टू फेस। तो मैं गई थी एक बार अल्ट्रासाउंड के लिए, तो वहां पे एक लेडी आई थी, वो होंगी 6-7 मंथ्स प्रेग्नेंट होंगी, बालों में पूरा ऑयल लगा हुआ था, उनके बाल को उन्होंने चोटी बांधी हुई थी, और मैं तो अपना जैसे जाती हूँ बाल, मेरे शायद मैंने उसी दिन या उससे एक दिन पहले शैम्पू किया होगा, तो मेरे बाल खुले खुले लग रहे थे। तो बैठी, फिर उन्होंने उससे मुझसे बात करी कि क्या आप अभी एक्सपेक्टिंग हो, कितना मंथ चल रहा है, तो मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने मुझसे कहा आप कहाँ से हो, तो मैंने बताया सब कुछ। तो वो जो थी वो यूपी साइड की थी, तो उनको अच्छा लगा कि चलो एक तरफ के लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि तो तुम बालों में शैम्पू करते हो, हेयर वॉश करते हो आप? मैंने कहा हाँ बिल्कुल करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि उनकी मदर इन लॉ उनको हेयर वॉश करने नहीं दे रही हैं जब से उन्होंने कंसीव किया है। अब आप सोचिए उनकी अगर 6 महीना की प्रेगनेंसी हो चुकी है तो 6 महीना से उन्होंने हेयर वॉश नहीं किया, क्योंकि उनकी मदर इन लॉ के हिसाब से बाल धोने से बच्चे को प्रॉब्लम आएगी। अब ये मैं रिचुअल इस चीज के लिए मैं नहीं बोलूंगी ये रिचुअल है, ये कम्प्लीटली एक मिथ है। अगर आप बालों को वॉश नहीं करेंगे आपके आपकी खुद की हाइजीन नहीं रहेगी, आपको खुजली होगी, डैंड्रफ होगा, और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और मैं तो अगर सच में हफ्ते में 2 बार शैम्पू ना करूं तो मेरा तो सर भारी हो जाए। सोचिए 6 महीने से वो लेडी इस चीज को किए जा रही हैं। यहां पर मैं क्लियरली बोल सकती हूँ ये मिथ है, रिचुअल नहीं है। बाकी जो मैं बताऊंगी उसमें आप समझ लीजिए मिथ है कि रिचुअल है। तो क्या हुआ, जब मुझे ये बात चली ने पता तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी आई कि और क्या क्या चीजें ऐसी चलती होंगी हमारे देश में जो लोग फॉलो करते हैं। तो मैंने सर्च करना स्टार्ट किया, कुछ गूगल पे सर्च किया और कुछ मैंने प्रेगनेंसी ऐप जो है वहां पे सर्च किया, वहां पे अलग अलग डिस्कशन आ जाते हैं। तो उसमें एक अगेन मुझे बड़ा वियर्ड सा लगा जो मुझे बिल्कुल इलॉजिकल लगा। तो उसमें एक लेडी लिखती है कि उनका जो घर है वो गांव में रहती है, गांव से उनको डॉक्टर दिखाने के लिए शहर जाना पड़ता है, और गांव और शहर के बीच में एक पुल आता है, पर उनकी फैमिली के हिसाब से प्रेग्नेंट लेडीज को
कोई भी रिवर क्रॉस नहीं करना चाहिए। इस वजह से जब से वो अपने ससुराल में है तब से वो डॉक्टर दिखाने के लिए गांव के ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखा रही हैं, क्योंकि अगर वो प्राइवेट जाएंगी तो उनको वो सड़क उनको वो ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा। तो शी वॉज सेइंग कि मुझे तो बस इस बात का इंतजार है कि कैसे मैं जल्द से जल्द अपने मायके जाऊं कुछ मंथ्स कंप्लीट होने के बाद और प्राइवेट में दिखाना शुरू करूं। उसके बाद एक रिचुअल है, बाल कटवाने नहीं चाहिए प्रेगनेंट लेडीज को। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। तो बहुत लोगों का कहना है कि बाल जो होते हैं वो लड़की की स्ट्रेंथ को दर्शाते हैं और अगर आप बाल कट करोगे तो आपके बच्चे में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद अगेन बालों से ही एक और जुड़ा हुआ है, वो है, वो मुझे कई बार व्लॉग्स में भी आता है कि शाम के बाद बाल खुले करके घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, अगर आप कहीं जाते हो तो बाल को बांध लो। एक और है जो पुराने जमाने के लोग फोर्स करते हैं यंग लोगों को आजकल, और ये मैंने उस ऐप में देखा था कि वहां पर एक बंदी ने बोला कि, और उसमें बहुत लोगों ने अग्री किया कि हाँ उनके घर में भी ये चल रहा है। अभी बताइए आपको कि अगर आप कंसीव करते हो तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हस्बैंड वाइफ को बिल्कुल भी इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए, बिकॉज सेफ्टी नहीं रहती है उस टाइम पे, राइट। फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत नाजुक टाइम होता है, तो बेटर होता है अगर आप लोग ऐसा कुछ ना करो। और फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर सब कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, लाइक आपको लो लाइन प्लेसेंटा नहीं है या कोई आपको इंटरनल ब्लीडिंग नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में डॉक्टर अलाउ करते। वहां पे लिखा हुआ था कि जो उनकी मदर इन लॉ है वो उनको और उनके हस्बैंड को साथ में एक बेडरूम शेयर ही नहीं करने दे रहे, बिल्कुल अलग अलग दोनों को रख रहे हैं और अभी से लेकर के पूरी प्रेगनेंसी रखेंगे और प्रेगनेंसी के बाद बेबी जब तक ना हो जाए 3 महीने का तब तक भी रखेंगे। तो रीजन क्या है, यही है ताकि आप इंटीमेट ना हो जाओ। पर अभी सभी लोगों को, पढ़े लिखे जो कपल है उनको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। डॉक्टर ना, आप जैसे जाओगे डॉक्टर को बताने कि आप प्रेग्नेंट हो, वो खुद आपको डूज एंड डोंट्स पहले ही बता देते हैं। पर ऐसे अगर आप एक कपल को अलग सुलाओगे तो वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी में ठीक बात नहीं है, क्योंकि आपको आपका पार्टनर की जरूरत होती है उस टाइम पे, राइट। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो फनी है। तो वहां पे था कि उनके घर में उनको कुछ भी रेड कलर का खाने नहीं दे रहे हैं, जैसे कि पोमोग्रेनेट नहीं खाने दे रहे, बीटरूट नहीं खाने दे रहे, क्योंकि उनका कहना है कि बच्चे का कलर सांवला हो जाएगा और बच्चे का कलर व्हाइट हो, गोरा हो बच्चा, उसके लिए सिर्फ व्हाइट खाना ज्यादा खाने को बोलते हैं, नारियल खाने को बोलते हैं, काजू खाने को बोलते हैं। उससे कहते हैं कि अगर तुम व्हाइट खाना खाओगे तो बच्चा गोरा होगा और रेड खाना खाओगे मतलब आयरन वाला खाना खाओगे तो बच्चे का कलर कम आएगा, जबकि प्रेगनेंसी में आयरन की बहुत जरूरत है। बीटरूट पोमोग्रेनेट दोनों ही हेल्दी है एंड कलर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है कि आप किस कलर का खाना खा रहे हो, उससे बच्चे का जो कलर है वो ऑफकोर्स उसके जेनेटिक्स पे डिपेंड करेगा, मदर जिस इन्वायरमेंट में रह रही है वहां का टेम्परेचर पे मैटर करेगा, ना कि मैटर करेगा कि आप क्या खा रहे हो। तो ये तो हो गई प्रेग्नेंट लेडीज की बात। अब कुछ ऐसे ही धारणाएं हैं जो न्यूबॉर्न को लेकर के भी हैं, तो चलिए वो भी इसमें इंक्लूड करती हूँ। तो एक जो है वो ये है कि छोटे बच्चे को 1 साल तक आईना नहीं दिखाते हैं बहुत फैमिलीज में, जबकि देखिए अगर साइंटिफिकली बात किया जाए तो बेबी का हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अगर उसको मिरर दिखाया जाए आफ्टर अ सर्टेन एज, स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि बच्चे की जो विजन है वो क्लियर नहीं होती उस टाइम पे, पर अगर उसके बाद जब वो थोड़ा सा ना रिकग्नाइज करने लगे चीजों को, अगर आप उसको मिरर दिखाते हो ना तो उससे उसको दिखता है, उसमें एक्सप्रेशन दिखते हैं, वो उससे इंटरैक्ट करता है, तो एक्चुअली इट्स वेरी गुड फॉर योर ब्रेन डेवलपमेंट। पर बहुत सारे घरों में इंडिया में ऐसा मानते हैं कि नहीं दिखाना चाहिए और नहीं दिखाते हैं। बहुत सारी फैमिलीज मानते हैं कि बेबी होने से पहले कुछ भी एडवांस में शॉपिंग नहीं करनी चाहिए उसके लिए, तो जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे शायद से कुछ पुराने कपड़े जुगाड़ करके रखते हैं उसको पहनाने के लिए 1-2 दिन के लिए, बाद में शॉपिंग करते हैं। एनीवेज उसके बाद एक और है कि न्यूबॉर्न बेबी जब बॉटल में दूध पी रहा होता है, बहुत लोग बॉटल में फीड करते हैं, तो कितना क्वांटिटी ऑफ मिल्क वो पी रहा है ना वो दूसरों को दिखना नहीं चाहिए, तो उसको कवर करके पिलाते हैं, क्वांटिटी नहीं बताते हैं, बच्चे का बहुत लोग वेट नहीं बताते कि कितने वेट का बच्चा हो गया है, काफी दिन तक नहीं बताते, तो ये भी बहुत लोग फॉलो करते हैं। तो यही छोटी मोटी चीजें हैं, इनमें से कुछ भी ज्यादा ऐसा नहीं है जो हार्मफुल है, आप फॉलो नहीं कर सकते हो। मैंने पिछले ब्लॉग में भी कहा था कि हार्मलेस चीजें फॉलो करने में दिक्कत नहीं है, पर जिस भी चीज से आपको कष्ट हो रहा हो, आपके मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को, और आपको लगता हो ये क्वेश्चनेबल है, वो जरूर क्वेश्चन करना चाहिए। जैसे कि शैम्पू ना करना, इट्स वेरी बैड आपके हाइजीन के लिए, वो आपको नहीं फॉलो करना चाहिए। आपको क्वेश्चन करना चाहिए कि क्यों मैं हेयर वॉश नहीं कर सकती हूं। तो जहां पे ये ऐसी चीजें हो जाती हैं, जैसे हस्बैंड के साथ नहीं शेयर करना है रूम, वो भी आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो वहां भी आपको बोलना चाहिए, समझाना चाहिए लोगों को कि नहीं ये गलत है, मुझे अपने पार्टनर के साथ ही रहना है, हम लोग एडल्ट्स हैं, हमें पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, पेरेंट्स बनने जा रहे हैं, तो वो भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, या और भी जो भी चीजें आपको लगता हो क्वेश्चन करना हो, और जो चीजें लगती हो कि चल रहा है कोई नहीं, अगर आप वैसे हो कि आप ढलना ज्यादा पसंद करते हो रादर देन की सेइंग कि नहीं मुझे ये नहीं फॉलो करना वो नहीं फॉलो करना, तो मत फॉलो करिए, कंप्लीटली आपके ऊपर है। पर इनमें से कुछ भी जितना भी मैंने बताया ना,
ये इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा और नहीं करोगे तो कुछ बुरा हो जाएगा, इतना मैं आपको जरूर गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। बनाने जा रही हूँ मैं आज डिनर में चिकन, एंड अनंगद इज फुल एक्साइटेड कि फाइनली तुम चिकन खाने को रेडी हो गई, तो घर में बन रहा है। तो मैं बना रही हूँ व्हाइट ग्रेवी चिकन, और उसके लिए ना मुझे काजू की जरूरत है। अभी फुल फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो काजू खाया नहीं, जो कि मना किया था मैं डॉक्टर ने कि उससे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अभी सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर आपका पेट ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो आप खा सकते हो। तो घर में काजू था ही नहीं, और मैं सुबह से सोच के रखी हूँ कि ये वाला ही चिकन बनाएंगे। अभी जब देखने आती हूँ तो अरे काजू तो घर पे ही नहीं है, तो मैंने भी मंगवाया है, फटाफट डिलीवरी हो जाएगी। और ना मैंने बोनलेस चिकन मंगवा लिया था ताकि जल्दी बन जाए, बोन वाला बहुत टाइम लगता है, इतनी गर्मी में किसका ही मन करेगा एक घंटा तक पकाते रहने का, मेरा तो नहीं। तो बोनलेस चिकन है, फटाफट बन जाएगा, तो उसके लिए मैंने कुछ तैयारी कर ली है। तो मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है, प्याज को एकदम बारीकी से कट करके रख लिया है, चॉप करके, और यहाँ पे जो रेड चिली है उसको भी पीस लिया है, ड्राई रेड चिली को। थोड़ा सा यहाँ पे मेरे पास में कसूरी मेथी है, आ गया मेरा काजू, और काजू इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो काजू आ गया है, थैंक गॉड। ये सब फैसिलिटीज है कि आपके घर में 10 मिनट में चीजों की डिलीवरी हो जाती है, वरना क्या होता। और उससे पहले मैं पीने जा रही हूँ ये याकुल्ट, तो ये प्रोबायोटिक ड्रिंक है, इट्स वेरी गुड फॉर योर इंटेस्टाइन, डाइजेशन के लिए बड़ा अच्छा है। कभी भी कुछ खाने से अगर लगे कि पेट जल रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है ना, तो पीना चाहिए, तो मैं तो पीती हूँ एनीवेज। तो चलिए, ये अब मैं इसको पीसना है, इसे और बादाम को मुझे पीस लेना है लिक्विड फॉर्म में, ताकि बाद में डाल सके, और साथ में मलाई भी यूज करनी है, पर ये पीते हैं। प्रेप करनी थी वो सारा प्रेप करके रख लिया है, और क्योंकि बोनलेस चिकन है ना, तो मुझे उतना टेंशन नहीं है कि पकने में टाइम लगेगा, मेन जो है वो प्रेप ही है, तो वो मेरा डन हो गया है, तो फटाफट बना लूंगी। और ये अच्छा लगता है खाने में, राइस के साथ में भी, फ्राइड राइस के साथ खाइए, नहीं तो रोटी के साथ भी अच्छा लगता है, हम लोग रोटी के साथ खाएंगे। चिकन की ये डिश बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में डाला ऑयल, और आज मैं देखिए कितने दिनों के बाद कास्ट आयरन में कुछ बना रही हूँ। फिर इसमें डाल दिया मैंने बेलीफ, इलायची और लौंग, और कटे हुए प्याज, प्याज को एकदम बारीकी से काटना है, जब ये थोड़ा सा भून जाए तब इसमें डाल देना है नमक। उसके बाद इसमें डाल दिया मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसे फ्राई कर लेना है। उसके बाद जो चिकन हमने मैरिनेट किया था वो भी डाल देना है, और मैरिनेट करने के लिए मैंने सिर्फ इसमें नमक का इस्तेमाल किया था, इस डिश में हम लोग हल्दी नहीं डालेंगे। और मैंने सूखी लाल मिर्च को पीस लिया था, वो भी इसमें मिला देंगे। चिकन जब थोड़ा पक जाए तब इसमें मैंने क्रीम ऐड कर दिया है, आप चाहो तो इसमें दही भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद जो हमने पेस्ट बनाया था काजू बादाम का, वो भी इसमें डाल देना है, और थोड़ा सा पानी डाल करके इसको आपको फ्राई करना है। 10-15 मिनट के लिए ढक के फ्राई करेंगे, और जितनी ग्रेवी रखनी हो उस हिसाब से इसमें आप पानी ऐड कर दें। और सबसे लास्ट में आपको लेना है कसूरी मेथी, और वो भी इसमें मिला देना है, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो बस देखिए, हमारा चिकन बन करके तैयार हो गया। इतना टेस्टी बना था ना चिकन,
स्टार्टर फॉर्म में चखा उतना ही अच्छा, ग्रेवी में चखा उतना ही अच्छा, फटाफट बन जाता है, इतना स्वाद लगता है। तो एक बार ट्राई करके देखिएगा, अगर ट्राई नहीं किया है तो टमाटर नहीं डालना, हल्दी नहीं डालना, फिर भी अच्छा बनेगा। एनीवेज आज ही मैंने आपसे बात की सारे रिचुअल्स के बारे में, प्रेगनेंसी मिथ्स के बारे में, और आपको पता ही होगा कि कल है ग्रहण। कल मतलब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन सुबह 7 से 1 बजे का टाइम है। तो मेरी कुक का फोन आया था कुछ देर पहले कि दीदी आपके यहाँ आना है कल 1 बजे से पहले कि 1 बजे के बाद आना है, कल ग्रहण है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, एकदम जो टाइम पे आते हो तुम आ जाओ, मैं 7 से 1 मैं ना खाऊं ना पीऊं ऐसा नहीं हो सकता। तो जो आप लोग प्रेग्नेंट है मुझे कमेंट करिएगा कि क्या सच में आपने सुबह 7 के बाद पानी भी नहीं पिया 1 बजे तक में, वो भी इतनी गर्मी में, फिर दवाई वगैरह कैसे मैनेज किया और खाया कि नहीं खाया। ऑफकोर्स मैं तो खाने वाली हूँ, पानी भी पीने वाली हूँ। घर से बाहर ना निकला जाए वो तो वैसे भी निकलते नहीं है, कहाँ ही निकलूंगी सुबह, तो वो तो चलिए कोई बात नहीं है। वैसे भी इतनी धूप लगती है कि कर्टन्स खुलता नहीं है, तो वो भी कोई बात नहीं है। और सोने का तो वैसे भी वो टाइम नहीं है, पर खाना और पानी बिल्कुल भी प्रेगनेंसी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली। मेरा तो दवाई खाने का भी टाइम होता है, तो दवाई भी खाना रहता है, और वैसे भी हाइड्रेशन की बहुत जरूरत है। तो कमेंट करिएगा, मैं क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि क्या प्रेगनेंसी में आप थे बिना पानी के या फिर नहीं आपने पी लिया। एनीवेज चलिए इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए। और अगर आपको भी कुछ प्रेगनेंसी मिथ्स या रिचुअल के बारे में पता है जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो मेंशन करिएगा, पढ़ के मजा आएगा। बाय बाय।